डीआरडीओ ने किया भयंकर ऐलान, चीन और पाकिस्तान में मच गई खलबली। चीन के S-400 को ध्वस्त करने के लिए डीआरडीओ ने बनाया दमदार हथियार, जल्द होने वाला है टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, जब से भारत और चीन का सीमा विवाद शुरू हुआ है, तब से चीन और पाकिस्तान के लिए डीआरडीओ ने नाक में दम कर दिया है और बीते महीनों में दे टेस्ट पे दे टेस्ट, इतने सारे टेस्ट कर डाली हैं डीआरडीओ ने कि चीन और पाकिस्तान वाले सोचते होंगे कि काश भारत से दुश्मनी मोल ना ली होती तो आज भारत इतना ताकतवर ना बन पाता। और दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से भयंकर ऐलान कर दिया है 7 से 9 दिसंबर के बीच में, और इस बार डीआरडीओ ने बेहद ही खूंखार मिसाल बनाई है, जिसका टेस्ट डीआरडीओ जल्द ही 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को इस टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसमें डीआरडीओ जिस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है वो एक फाइटर जेट से लॉन्च होने वाली मिसाइल है, अर्थात यह मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च होकर जमीनी टारगेट को ध्वस्त करेगी। और बेसिकली इसमें राफेल फाइटर जेट पर बेसिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2021 से भारतीय वायुसेना राफेल का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर रही है, और इसको देख हुए भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ ने एक स्पेशल मिसाइल बनाई है, और इसका जो नाम बताया जा रहा है वो ब्रह्मोस ए बताया जा रहा है, और ये बेसिकली तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई है। इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक यानी आवाज की गति से लगभग 4.5 गुना है, यानी आप सभी समझ ही सकते हैं कि यह लगभग एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और दोस्तों, यही चीन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जो मिसाइल है इसके बारे में थोड़ी बहुत जो डिटेल मुझे पता चली है वो इस प्रकार है कि फाइटर जेट से लॉन्च होने के पश्चात यह मिसाइल अपने सामने आने वाले दूसरे अवरोधों को आसानी से अवॉइड करके जिस टारगेट के लिए इसे लॉन्च किया गया है उस टारगेट को बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़कर ध्वस्त कर देगी। और दोस्तों, इसी बात से भारत का मास्टर गेम शुरू होता है, क्योंकि भारत के पास अभी हाल फिलहाल में चीन के S-400 एडफेंस सिस्टम का कोई भी तोड़ नहीं है, और यदि फ्यूचर में भारत और चीन का युद्ध होता है तो चीन का S-400 भारत के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बनेगा। और चीन के इसी S-400 को ध्वस्त करने के लिए भारत ने इस खतरनाक ब्रह्मोस के वेरिएंट को बनाया है, जो कि बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ती है और काफी तेज गति से जाती है, जिससे S-400 की रडार इसे आसानी से डिटेक्ट कर नहीं पाएगी और पलक झपकते ही S-400 को ध्वस्त कर देगी। और दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से माने तो ऐसी मिसाइलें जो बेहद ही कम एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं और इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेट हाइपरसोनिक मिसाइल की जैसी होती है, वो आसानी से S-400 एडिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती हैं। और इसी कारणवश डीआरडीओ ने काफी सोच समझकर भारतीय फाइटर जेटों के लिए ब्रह्मोस के इस खास वेरिएंट को तैयार किया है, क्योंकि यदि एक बार भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू होगा तो चीन का S-400 जैसे ही ध्वस्त हुआ, बाकी का बचा हुआ काम भारतीय वायुसेना आसानी से चीन में घुसकर समाप्त कर देगी। तो डीआरडीओ की इस कामयाबी और इस टेस्ट के ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।